हेलो दोस्तों, हम गए थक। कल हमको ट्रेन नहीं मिली थी, रिजर्वेशन नहीं मिला था। देखो मेरे पीछे अन्नू आ रही है। क्यों रहा है कोई यहाँ पे? रो नहीं रहे। एसी वाली बस थी, मेरा सर चढ़ गया है। अब हम बरेली पहुँचे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूनम निषाद ब्लॉग में। और हम लोग आते हैं बरेली। देखो बरेली में हम लोग खाएंगे बरेली की बर्फी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं बैठे यार। ऐसा हुआ इसलिए कि हम लोगों की रात वाली ट्रेन में हम लोगों को कंफर्म सीट नहीं मिली, तो हम लोगों ने पहले ट्रैवल किया लखनऊ टू हरिद्वार। लेकिन बस वाले ने बताया कि आप लखनऊ टू हरिद्वार डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले आपको लखनऊ टू बरेली जाना पड़ेगा। फिर बरेली स्टेशन पर जाके हरिद्वार के लिए ट्रेन बस पकड़नी होगी। अब हम लोग यहाँ से बस पकड़ेंगे, बरेली की बस दिखाएंगे। और इनके रेलवे स्टेशन इतने क्यूट क्यूट, छोटू छोटू से। हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं है यार, कानपुर लखनऊ कितने बड़े नहीं है, और मतलब भी नहीं बनता इतने बड़े रेलवे स्टेशन बनाने का। वो अंग्रेजों ने बनाया था ना। हाँ यार, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलो देखो जंक्शन, बरेली जंक्शन अच्छा लग रहा है, छोटा सा है और बहुत बढ़िया बना है। देखो अशोक का स्तंभ बना है ना, ये बना अशोक का स्तंभ। अशोक स्तंभ उर्दू में भी लिखा है बरेली। और ये क्या है, ये धुंधली क्यों आ रही? देखो नहीं तो धुंधली तो नहीं आ रही। मित्रों देखिए, हम लोग बरेली रेलवे स्टेशन में आ गए और पीछे से धूप, कल पीछे झाड़ू लगाने लग गए यार। ये अच्छा तरीका भगाने का, बैठे नहीं रहते, ऐसे स्वागत करते हैं लोग। भगाना हो ना अपने घर से झाड़ू लगाने लगा, अपने आवाज धूप आ गया। तो हम लोगों की इकलौती होप थी उपासना एक्सप्रेस। उपासना एक्सप्रेस जा रही थी कितने बजे? 11:28 में। हम लोग यहाँ पे आए 2:30, पता नहीं किस होप के साथ आए, बट पता नहीं। अब जा रहे हैं वापस। अब यहाँ रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग बस स्टॉप जाएंगे। और पीछे वो अंकल खड़े हैं, उन्होंने बताया वो बहुत अच्छे अंकल है। और वाले जो पी वो तो वो जो बस वो जो सफाई कर रहे हैं अंकल, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें भगाना नहीं चाहते, तुम लोग बैठे थे इसलिए हम और जगह जल्दी साफ कर देते। तो फिर ऐसे अच्छे लोग हैं बरेली में। आप हम लोगों को छोड़ गए तो जरूर बताओ कमेंट करके, है ना। हाँ। क्योंकि हम लोग बरेली में नहीं है, हम लोग बरेली से बाईपास होते हुए जा रहे हैं पे। और देखो ये जो शक्ल है इस पर 12 इसलिए वजह है क्योंकि जो हम लोगों के बस के वो थे कंडक्टर अंकल, ठीक है। उन्होंने एक बहुत स्मार्ट टिप दी, इतनी स्मार्ट टिप आपने आज से पहले ना सुनी होगी ना कभी नहीं सुनी होगी। आप स्मार्ट टिप ये थी कि बेटा सफ़र काटने के लिए सो जाओ। तो हम लोग सो गए, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं 3 घंटा नहीं 6 घंटे सो गए भाई साहब। और पूरी ज़िंदगी सो लिया अब हम लोगों ने। अब हम लोगों को यहाँ पे रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप। कैसी रही आपकी जर्नी? कोई तो पूछ लो कैसी रही आपकी जर्नी, एकदम भट्ट गवार हो यार तुम लोग। ओ ऐसे नहीं बोलते, आई एम सॉरी। सो गाइस, हम लोगों को मिली है एक एसी इलेक्ट्रिक बस, जिससे हम लोग वापस से रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं बस स्टेशन। और इन्होंने हमें बताया कि आपको यहाँ पे ई रिक्शे और ऑटो से सस्ता पड़ेगा ये बस का टिकट। लेकिन पर कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो वो भी नहीं पता कि कितने का पड़ता। तो सस्ता हो या ना सस्ता हो, अच्छा था। और ये भी बस अच्छी है, इसी से हरिद्वार छोड़ देते यार। नहीं छोड़ेंगे, ये सही है। मतलब हम लोग स्कूटी से अभी सेक्सी लेके निकल लो, लेकिन वो भी नहीं छोड़ती 500 किलोमीटर। हाँ 500 किलोमीटर में सेक्सी की जान निकल जाएगी, अफोर्ड। हाँ और ये भी नहीं लेके जाएंगे, कोई भी अच्छी चीज़ हमें वो ले नहीं जाती यार, ताकि तुम लोग अच्छी होती नहीं ले जाए। वो पास में एक्सप्रेस भी चली गई, हम लोग वो बस के भरोसे चले गए। घूम लिया एवरीवन। और जिसको ये लगता है कि कानपुर से हरिद्वार पास है, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलत फहमी मत पालो, ठीक है, बिल्कुल भी पास नहीं। ट्रेन से 12 घंटे का सफर था और बस से, महान बसों से
पहले 6 घंटे बरेली आने में लगते हैं, 6 नहीं 7.5 घंटे बरेली आने में लगते हैं, और फिर यहाँ से आपको लगते हैं 8.5 घंटे, 15 घंटे का सफर है कानपुर से बरेली, कानपुर से नहीं लखनऊ से बरेली तक। तो जो गूगल में पढ़ के आते हो ना कि 750 किलोमीटर कानपुर से, 534 किलोमीटर लखनऊ से, हम 534 किलोमीटर बैठेंगे और हरिद्वार उतरना कि गलत फैमिली बिल्कुल मत मानो, कुछ भी कभी गलत फैमिली नहीं है ना, नो गुस्सा आ रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं। और हम जैसे इंसान जो हर बात पे बात पे हाइजीन का हवाला देते हैं, और मुझे ना बहुत उल्टी कैसे लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम खाना तो खाएंगे, क्योंकि 4 दिन अगर मुझे उल्टी लगती रहेगी तो 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, ऐसे तो काम चलेगा बढ़ जाएंगे हमारे, तो खाओ खाना खाओ, बस पे बैठो, उल्टी करो, टाइम पास करो, और क्या बोलते हैं सीधी नहीं, कितना गंदा बना लेते हैं भाई। लेकिन पहली ऐसी ट्रिप है जिसमें हमको ज़्यादा गंदे नहीं लग रहे, रीज़न पता है क्या, सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है हम लोगों पर, मौसम बहुत अच्छा है, यही गर्मी वाला होता ना भाई साहब, मेरे मुंह से तो फेरा निकल रहा था और मैं नागिन की तरह मर जाता, ठीक है, घटिया एक्सप्लेनेशन नागिन बताओ, ठीक है, और कल सुबह हम लोग चलेंगे बराबर से, दिख रहा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तभी जब सब लोग आशीर्वाद, तुम लोग आशीर्वाद में भाई साहब दम नहीं लग रहा है, मेहनत कर रहे तो कम से कम आशीर्वाद दो, यार डर से आशीर्वाद दो, बहुत दिनों बाद तो यहाँ ब्लॉगिंग का बूथ चढ़ रहा है, यहाँ बरेली में मतलब कानपुर में लिखते हैं आई लव कानपुर आई लव लखनऊ, ऐसे हम लिखा लिखा यहाँ ने लिखा मेरा शहर मेरा अभिमान, तो मुझे भी अब कानपुर जाएंगे वहाँ से कहेंगे ये अलग बोर्ड हटा दो, इसमें लिखो मेरा शहर मेरा अभिमान, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, कानपुर कहाँ लिखवा रहे हो यार, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना 500 किलोमीटर से ऊपर, लाइक मी अभी छत्तीसगढ़ गए उससे पहले, अभी हरिद्वार उससे पहले, बहुत सारी जगह मतलब 500 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी हमने बहुत बार ट्रैवल की है, मैं तो अरे यार बस्ती जा तो बहुत बार ट्रैवल की है, तो हमें ये पता है कि अपने मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होता है, अब तो बंद करते हैं क्योंकि हमारा खाना आ गया और इन्होंने रोटी ला दी तो बहुत अच्छा काम किया है ना हमको। यहाँ पे हरिद्वार में बहुत जोर से बारिश स्टार्ट भी हो गई है और भयंकर ठंड पड़ रही है, जिन लोगों को गूगल पे टेम्परेचर देख के लगता है कि ठंड नहीं पड़ती है उनको बहुत गलत लगता है।